राम राम लड्डर के कहता हेडशॉट मारेगा किंग फिशर हम भी रखते हैं पहलवान जब मर्जी बैठ लिए ठीक है जब तेरा जी करे जब बैठ लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा न्यू रैंक सीजन 38 वाला सीजन चल गया है और इसमें मैं पुश करने वाला हूँ किंग फिशर में इंडिया का टॉप 1 टाइटल के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो से हम इसको स्टार्टिंग करने वाले हैं और इस सीजन में मैं इंडिया में टाइटल लगा के ही रहूंगा। तो मेरा 0 था स्कोर क्योंकि मैं इससे पहले किंग फिशर कभी नहीं चलाई और इस सीजन में मैं किंग फिशर को चलाने वाला हूं। और आपको पता ही है किंग फिशर कैसी चलती है, मतलब 8-8 का डैमेज 6-6 का डैमेज देती है लॉन्ग रेंज में, तो उससे करना बहुत हार्ड होगा लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इंडिया में टाइटल ला के ही रहेंगे। तो इसी के साथ मैंने पहला मैच स्टार्ट किया स्क्वाड में क्योंकि मैं स्क्वाड में ही खेलने वाला हूं इस सीजन में। थोड़ी बहुत रैंक पुश भी करके देखेंगे, क्या पता ग्रैंड मास्टरी हो जाए गलती से। तो मुझे उतरती P90 मिली यार और यहाँ पर एक बंदा आज मैंने फिनिश किया, किंग फिशर नहीं थी यार, किंग फिशर से मारता तो और अच्छा महसूस होता दिल को, लेकिन बंदे थे नीचे और ऊपर बंदा आ गया भाई, एक टीममेट को मार दिया था मेरे, मैंने स्ट्राइक शॉट मार के भाई फिनिश कर दिया। किंग फिशर का तो पता नहीं लेकिन P90 की बिल्कुल 100 ग्लोरी मिल गई होगी मुझे क्योंकि भाई दो बंदे फिनिश कर दिए, एक हेडशॉट से एक बॉडी शॉट से। और इसी के साथ फिर इस मैच में मैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेट करने के बाद मैं नीचे आया और नीचे देखा क्या भाई सामने बंदा था और P90 थी क्योंकि मेरे पास वो तो थी नहीं, अभी तक मैंने खरीदी नहीं थी वेंडिंग मशीन से। इसी के साथ मैंने P90 से 3 किल कर दिए थे भाई और अभी आगे भी जाता हूँ मैं, यहाँ पर क्लॉक टावर पे बहुत सारे बंदे मिलते हैं। फिर मैं बी जोन क्योंकि मैं नॉक हो गया था तो दोबारा मेरी टीममेट्स ने रिवाइव करके आया तो मुझे बी जोन मिली थी, तो मैंने बी जोन से 1 किल और निकाला और इसका टीममेट मेरे फ्रेंड ने मार दिया। तो भाई इसके बाद मैं आ जाता हूँ फैक्ट्री पे और फैक्ट्री पे आते ही मुझे किंग फिशर मिल जाती है और किंग फिशर मिलते ही मैं भाई बंदों को नॉक पे नॉक कर दिया और 1 किल मैंने किंग फिशर से अपना फिनिश कर दिया था। यहाँ पे और भी बंदे थे उसको भी मैंने किंग फिशर से किल किया, 2 बंदे मेरे किंग फिशर से नॉक हो गए थे और यहाँ एक ग्लू के पीछे लुका था, इसे शॉर्ट गन से मारा क्योंकि भाई किंग फिशर से मारने जाता तो वो मुझे मार भी सकता था और अपने बंदे को रिवाइव कर लेता तो मुझे और किंग फिशर का किल भी नहीं मिलता। तो इसी के साथ मेरे 7 किल हो चुके थे, 2 मैंने किंग फिशर से फुल मार दिए थे तो मुझे 100 ग्लोरी तो इसकी मिल गई होगी क्योंकि मैंने हेडशॉट भी मारा था एक को। तो उसके बाद हम बीमा शक्ति पे आते हैं और हम 2 ही बंदे बचे थे, उसमें से एक बंदे को भाई मेरे बंदे को नॉक कर दिया, एक बंदे में रिवाइव हो गया था तो इसको मैंने शॉर्ट गन से मारा क्योंकि शॉर्ट रेंज में था ये। और यहाँ पर मेरे किंग फिशर से भाई बहुत ज़्यादा किल मिलते हैं भाई, आप लोग देखना आगे मेरे पास किंग फिशर और M80-87 है, इसमें हम किंग फिशर और M80-87 दोनों से पुश करने वाले हैं तो किंग फिशर से मैं ज़्यादा बंदे मारूंगा। तो भाई टाइटल हमें क्योंकि इंडिया में किंग फिशर से लगाना था और भाई सामने बंदे देखो कितने सारे बंदे फाइट कर रहे हैं, मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनमें से जो भी बंदे थे उनको मारा, 2 किल मेरे यहाँ से हो गए थे, इसी के साथ मेरे 10 किल हो गए थे और मैं अकेला बचा था भाई। मेरे पास टोकन थे, मैं अपने बंदों को रिवाइव करने जाऊंगा लेकिन यहाँ पर बंदे थे बहुत, आगे देखना भाई मैं इस मैच में कैसे बचता हूँ और अपने 3 बंदों को रिवाइव देता हूँ। मैं जल्दी से तसुशिया स्प्रिंट मार के जाके, मेरे पास 2400 टोकन थे, मैं 3 बंदों को पहले तो अपने रिवाइव करता हूँ 2400 टोकन में, 600 टोकन में एक बंदा हुआ था और भाई सामने लिकट के देखता हूँ सामने टोकन थे और मैं जैसे ही जोन के में जाने के लिए देखता हूँ भाई सामने एक बंदा बैठ कर लूट रहा था, इसको मैं शॉर्ट रेंज में जाके M80-87 से मारता हूँ और बिना फिनिश किए भाई मैं लॉन्च पैड लगी थी उसको यूज करके जोन की तरफ चले जाता हूँ क्योंकि मैं उसको अगर फिनिश करने के चक्कर में रुक जाता तो भाई साहब जोन से निकलना बहुत भारी हो जाता। और ये मैच मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ये बहुत इंटेंस मैच था, इस मैच के बाद मेरी प्लस होके मतलब हीरोइक 2-स्टार हो गए थे तो इस मैच में बहुत तगड़ी लॉबी थी और बहुत तगड़े तगड़े बंदे आए थे और यहाँ पर साइड में भी एक बंदा था जो कि पता नहीं क्या कर रहा था इतनी लेट तक, वो मैं मेडकिट मारने के लिए अंदर बैठ के मेडकिट मारने लगा तो वो चला गया जोन, मैंने भी छीड़ा नहीं गई क्योंकि इसको अगर मारने तो क्या पता 2 बंदे होते तो मुझे मार सकते थे और मेरा बंदा इतने में ही एक और नॉक हो गया था, पता नहीं यार क्या कर रहे थे बिल्कुल ठप खेल रहे थे और सामने फाइट हो रही थी, मेरे M80-87 से भी किल काफ़ी हो रहे थे और किंग फिशर से भी, तो ग्लोरी तो मेरी फुल हो ही रही थी 100 ग्लोरी और मैं इसको रिवाइव देता हूँ यार, यही मेरी गलती होती है मैं इसको रिवाइव देने के चक्कर में नॉक हो जाता हूँ, मैं जोन से निकल नहीं पाता और इस मेरे मरने के बाद भाई मेरी पूरी टीम को मरने में 5 मिनट भी नहीं लगती, 2 मिनट भी नहीं लगती जो भी टिक पाए। तो जैसे ही आप मैं देखो यहाँ पर मैं नॉक होके जोन की वजह से मर जाता हूँ और मैंने तीनों के तीनों बंदों को रिवाइव किया हुआ था और भाई ये इतना तगड़ी लॉबी थी, बंदे मतलब 16 बंदे बच रहे थे लास्ट जोन में भी,
ये आप लोग देखो कितना छोटा जोन था। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई लास्ट जोन में भी इतने सारे बंदे लाए थे, और भाई मैंने तीनों बंदों को रिवाइव कर रखा था, तो एक बंदा ऊपर गया, एक को नॉक कर दिया। लेकिन भाई मैं इसको दूसरे वाले को कहने लगा कि भाई ऊपर जाओ, इतने में दो बंदे दोनों के दोनों नॉक हो गए, और ये ऊपर गया तो ऊपर जाते भाई इसको भी उस बंदे ने सूट दिया। पता नहीं कहाँ से आया था ये बंदा। इसी के साथ हमारा ये मैच बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये मैच भी देखो, क्योंकि इस मैच के बाद मेरा हीरोइक 2 स्टार पूरे कंप्लीट हो गए थे। इसमें मैंने एक किल कर लिया था ऑलरेडी किंग फिशर से, मेरे 3 किल हो चुके थे, 2 बंदे मैंने और दूसरी गन से मारे थे। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये मैच ख़त्म होता है तो मैं हीरोइक 2 स्टार पर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट के अकेला बंदा बचा था, और पीछे से एक बंदा आता है, उसको मैं पैराफल से मार के उसको फिनिश करता हूँ, और फिर मुझे एक बंदा मार देता है। तो इस मैच के बाद ये पूरा गेम ख़त्म हो जाता है। और अभी आप लोग देखो, मैं किंग फिशर में मेरे 59 प्लस हुए हैं, और बी जोन में 100 प्लस, और इसी के साथ मेरा हीरोइक 3 स्टार भी हो चुके हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इसे आगे भी पुश करें, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी ग्लोरी कितनी हो गई है P9 में, किंग फिशर में ग्लोरी कितनी हो गई है और मेरी रैंक कितनी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरी 2240 ग्लोरी हो चुकी है, और मैं उत्तर प्रदेश में तो आ चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं 32 नंबर पे हूँ, और मुजफ्फरनगर में टॉप पे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और आगे भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पुश करूँ, इंडिया का टाइटल लगाऊँ, तो यार कमेंट कर देना, तो मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।